वाराणसी में पीएम गतिशक्ति एनएमपी पर पांचवी क्षेत्रीय कार्यशाला, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने भाग लिया। केंद्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआई, आईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एनएमपी पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला मंगलवार को वाराणसी में शुरू हुई। कार्यशाला का मकसद पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के सभी स्टेक होल्डर्स के बीच तालमेल बनाना और जोश पैदा करना है। देश में अगली पीढ़ी की बुनियादी ढांचे की योजना बनाने और निर्माण के लिए पीएम गतिशक्ति को प्रधानमंत्री ने 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया था, जिसमें ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन मिला। कार्यशाला का पहला दिन पीएम गतिशक्ति एनएमपी अपनाने पर केंद्रीय था। डीपीआई आईटी में विशेष सचिव सुमिता डाबरा और बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास विभाग आईआईडीटी के प्रधान सचिव अनिल सागर ने कार्यशाला को संबोधित किया। इस अवसर पर बीआईएसएजी, एन नीति आयोग और एनआईसीडीसी के अलावा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों समेत 120 से अधिक प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए। स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया है, इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ने बहुत उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया है। हमारी दिल्ली से भी मंत्रालय आए हैं, रेलवे मंत्रालय, रोड मंत्रालय, पावर, टेलीकॉम, रिन्यूएबल एनर्जी, पोर्ट्स, नीति आयोग, हम सब ने पार्टिसिपेट करा है। और इसका क्या उद्देश्य है रीजनल वर्कशॉप का? इसका ये उद्देश्य है कि प्राइम मिनिस्टर गतिशक्ति के प्रिंसिपल्स प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में किस हद तक उपयोग हो रहे हैं।